छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। राजीव भवन में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, स्क्रीनिंग कमेटी की प्रमुख रजनी पाटिल ने नेताओं से चर्चा की। बैठक में नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत, पूर्व मंत्री रविन्द्र चौबे, मोहन मरकाम समेत कई कांग्रेसी राजीव भवन में मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के लिए नेताओं से राय शुमारी कर रणनीति बनाई गई। इससे पहले शुक्रवार को सांसद रजनी पाटिल ने कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक ली थी। वहीं लोकसभा की 11 सीटों को लेकर नेताओं, विधायकों और पूर्व विधायकों से चर्चा की गई। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की आज हमारी छाननी समिति की मीटिंग आज हुई, जिसमें साधक बाधक चर्चा हुई और इसके आगे के स्तर पर जाके हम दिल्ली में नेक्स्ट हफ्ते में मीटिंग करेंगे और उम्मीदवारों का चयनों की प्रक्रिया उसको आराम देने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द हमारे उम्मीदवार तय हो जाए, जिसके कारण इतना बड़ा लोकसभा मतदान संघ है तो उसमें वो लोग चुनाव लड़ सके। तैयारी मापदंड पे चर्चा हुई है, बता रहे कैसे मापदंड रहेंगे, मापदंड रहे किस तरह से उम्मीदवार होना चाहिए, कौन लड़ना चाहता है। लड़ने के लिए तो बहुत एक एक सीट पे बहुत सारे लोग हमारे तैयार है, लेकिन उसमें कुछ क्राइटेरिया करना पड़ेगा, कौन सी सीट किसके लिए रिजर्व है। उसकी हमारा सर्वे रिपोर्ट 30 तारीख तक आ जाएगा, सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कौन कहाँ पे क्या स्थिति है वो हम सब